हमारी आज की कक्षा में हम एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्शन के बारे में अध्ययन करते हुए, जो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसके बारे में अध्ययन करते हुए, हम भी यह भी देखेंगे कि एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इससे पहले, क्योंकि हम सिफेलोकोडेटा का प्राणी पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने यूरोकोडेटा का प्राणी हडमानिया पढ़ा है, तो हडमानिया की तुलना में एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नया क्या परिवर्तन हो रहा है, या विकास के प्रक्रम में यूरोकोडेटा से सिफिलोकोडेटा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे उच्च लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो हमें एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनका अध्ययन करते हुए इनका भी ध्यान रखना है कि एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकास के प्रक्रम में यूरोकोडेटा की तुलना में कितने ज़्यादा विकसित हैं। ये आज हम एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्शन की कक्षा में पढ़ेंगे। हम एम्फियोक्सिस की संरचना जानते हैं। एम्फियोक्सिस के स्ट्रक्चर्स देखिए, ये ओरल हुड, ओरल सिराई, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ ये गोनोड्स यहाँ पाए जाते हैं। एम्फियोक्सिस में गोनोड की जो संख्या होती है वो लगभग 26 से 27 जोड़ी होते हैं। पहली बात तो ये कि जो एम्फियोक्सिस जो है, इस एम्फियोक्सिस में सेक्स सेपरेट होते हैं। इनमें हम हडमानिया से आगे अगर बढ़ें, जहां हडमानिया हम कह रहे हैं कि मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन से एक ही प्राणी में, यहां उससे थोड़ा सा विकसित अवस्था ये पाई जा रही है, क्योंकि हम यूरोकोडेटा से सिफेलोकोडेटा की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे विकास के प्रक्रम में आगे की तरफ चल रहे हैं। वहां जहां पर कि एक ही प्राणी में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, एम्फियोक्सिस में ऐसा नहीं है। सेक्स आर सेपरेट बट मेल एंड फीमेल्स आर अलाइक शेविंग नॉन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। लेकिन अब जो हायर कोडेट्स में वैसी संरचना यही कि हाँ, सेक्स सेपरेट है, ये मेल गोनोट्स एक एनिमल में है, ये फीमेल गोनोट्स दूसरे एनिमल में है, लेकिन लैंगिक द्विरूपता नहीं है या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है। हम बाहर से देख करके नहीं बता सकते कि एम्फियोक्सिस का जो एनिमल है उसमें से कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। टेस्टिस और ओवरी की स्ट्रक्चर हमें तभी पता चलेगी जब हम एम्फियोक्सिस के टेस्टिस और ओवेरिज का सेक्शन काट करके देखेंगे, तो हमें नजर आएगा कि धारीदार जो संरचनाएं वृषण वाली हैं या टेस्टिस वाली हैं, बड़े केंद्रकों वाली जो कोशिकाएं होती है वो ओवेरी में होती है। तो आगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता इन प्राणियों में नहीं होती है, सेक्स यहां सेपरेट होते हैं। एक चीज तो ये हो गई। यहां जो गोनोट्स की जो संख्या होती है, 26 से 27 जोड़ी होते हैं, टेस्टिज या तो टेस्टिज होंगे या ओवेरीज होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं सेपरेट है, 26 से 27 जोड़ी होते हैं, और 25 से लेकर 51 तक खंड में होते हैं, 25 से 21 खंड में इनकी पोजीशन होगी, ये इनकी पोजीशन जहां आपको नजर आते हैं। अगर हम इन गोनोट्स को देखें, गोनोट्स में गोनोट्स की पोजीशन का है, पहले हम ये देखें कि ये तो हमने देख लिया एम्फियोक्सिस में नीचे की तरफ, जहां ये 26 से ले 25 से लेकर 51 तक जो सेगमेंट है वहां ये पाए जा रहे हैं, यहां इनकी जो संख्या 26 27 जुड़ी होते हैं, ये जो गोनोट्स या तो मेल गोनोट्स या फीमेल गोनोट्स हैं। अगर आप इनकी संरचना देखें तो हमें कहां मिलेंगे ये, एक तरफ तो ये बॉडी वाल के लेटरल वेंट्रल, ये बाहर की तरफ बॉडी वाल होगी, ये एट्रियम वाल होगी, तो ये जो पोर्शन है फेरिंग्स वाला पोर्शन है आप देख रहे हैं। अगर हम सेक्शन ये जो काट करके देख रहे हैं, अनुप्रस्थ काट, टीएस काट कर देख रहे हैं, एम्फियोक्सिस के ग्रसनी एवं वृषण भाग से अनुप्रस्थ काट, जहां हमको टेस्टिस नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए जो नारुकोड नोटोकोड जो हम पढ़ते हैं यहां पर, ये नारुकोड ये नोटोकोड है, ये नारुकोड है, नोटोकोड नीचे की तरफ, ऊपर नारुकोड, ये डोर्सल फिन रेज, ये डोर्सल फिन, ये बॉडी वाल, एपिडर्मिस, मायोटोम्स जो आपको यहां नजर आ रहे हैं मायोटोम्स, ये इसका फेरिंग्स, ये इसकी एट्रियम कैविटी, लीवर वाला पोर्शन है, ये जिसकी हम बात करें एंडोस्टाइलम, पढ़ते हैं ना डोर्सल लेमिना ऊपर की तरफ पढ़ते हैं हम, एंडोस्टाइलम नीचे की पढ़ते हैं, तो एंडोस्टाइल नीचे की तरफ फेरिंग्स को पढ़ रहे हैं, तो फेरिंग्स की स्ट्रक्चर हमको पता है कि ये एंडोस्टाइल नीचे की तरफ है, डोर्सल लेमिना ऊपर की तरफ है जिसको हम बात कर रहे हैं। तो यहां जो है आप देखेंगे ये दोनों तरफ, एक तो ये आपको नजर आ रहा है, एक ये आपको नजर आ रहा है, ये टेस्टिज नजर आ रहे हैं यहां पर ऐसा कुछ करके। तो अब टेस्टिज को अपन बाहर की तरफ देखें, बाहर की ओर बॉडी वॉल और अंदर की ओर एट्रियल एपिथेलियम, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी स्थिति कहाँ है। तो हमको मालूम है कि बाहर की तरफ इसमें एम्फियोक्सिस की बॉडी वॉल नजर आ रही है, और अंदर की तरफ इसमें हमें
एक्टियल एपिथेलियम नजर आती है। दूसरी बात यह कि ये जो गोनोट्स की जो संरचना होती है मेजोडर्म की बनी होती है, और ये जो गोनोट्स जो होते हैं एम्फियोक्सिस में, जो कि 26 से 27 जोड़ी होते हैं, 25 से लेकर 51 में खंड तक होते हैं, 25 से लेकर 51 खंड तक जो प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होते हैं, ये लेट्रोवेंट्रल में उभरे होते हैं बॉडी वॉल के बाहर की ओर, बॉडी वॉल और अंदर की ओर इसमें एक्टियल एपिथेलियम होती है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्योंकि इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं है, लैंगिक द्विरूपता नहीं है, तो सेक्स सेपरेट हैं, मेल एनिमल्स अलग हैं, फीमेल एनिमल्स अलग हैं। जहां हम प्रोटोकोडिटा के एनिमल्स वो पहले पढ़ रहे हैं, हम हर्डमानिया पढ़ रहे हैं, जहां पर कि मेल और फीमेल गोनोट्स या सेक्सुअल ऑर्गन्स एक ही एनिमल में, यहां हम इसको देखते हैं तो इसमें मेल और जो फीमेल गोनोट्स हैं वो अलग अलग एनिमल में, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहां पर नहीं है, लैंगिक द्विरूपता यहां नहीं पाई जाती है। इनकी टेस्टिज और ओवरी के सेक्शन कटिंग के बाद में हमको मालूम चलता है कि ये जो एनिमल है ये मेल है या फीमेल है। ये आप इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे आप ये देख रहे हैं जो जर्म सेल जो है इसके, इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो बाहर की तरफ प्राइमरी गोनोडल कैविटी होती है जर्म सेल्स के, और उसके बाहर की तरफ और जाएंगे आप थोड़ा सा निकलेंगे तो सेकेंडरी गोनोडल कैविटी होती है आपके। पहले ये तो हमने जो स्ट्रक्चर्स देखी ये तो टेस्टिज वाली स्ट्रक्चर्स देखी, अगर हम ओवरी वाली स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ओवरी वाली स्ट्रक्चर्स यही है, ये जो हमने टीएस काटा है गर्भाशय भाग में अंडाशय से अनुप्रस्थ काट, मतलब एम्फियोक्सिस का जब हम टीएस काट के देख रहे हैं जहां टेस्टिज है वैसा नजर आएगा, जहां ओवरीज है ऐसा नजर आएगा, यानी वो पहले वाला ये जो सेक्शन हमने काट करके देखा है ये सेक्शन एम्फियोक्सिस मेल का है, ये जो सेक्शन हम देख रहे हैं टीएस काट के देख रहे हैं फेरिंग्स रीजन से ये एम्फियोक्सिस फीमेल का है, वही संरचना ऊपर की तरफ नोटोकोड, नोटोकोड के ऊपर नर्व कोड, डोर्सल फिन रेज, डोर्सल फिन ऊपर की तरफ होगा जो ये इसकी बॉडी वाल हो जाएगी, ये इसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये इसकी फेरिंग्स हम कह रहे हैं कि बाहर की तरफ बॉडी वाल और ये एट्रियल कैविटी। तो ये जो एट्रियम वाला पोर्शन है यहाँ ये ओवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं जहां पर कि बड़े न्यूक्लियस वाली जो कोशिकाएं यहां पर नजर आ रही है ये यहां पर हमको नजर आती है, ये नीचे की तरफ वही एंडोस्टाइलर ऊपर की तरफ डोर्सल में जो एपिफेरेंजियल ग्रूव जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ये गिल्सलिट्स गिलबार्स मसल्स ये नीचे की तरफ मेटाप्लूरल फोल्ड है, और ये जो पोजीशन जो जैसे ये यहां टेस्टिज की पोजीशन थी ऐसी पोजीशन यहां ओवरीज की पोजीशन होती है, वो धारीदार संरचना नजर आएंगी, या हम इसको देखेंगे तो इसमें हमको जो स्ट्रक्चर्स नजर आएगी बड़े न्यूक्लियस वाली कोशिकाएं हमको ओवरी में नजर आती है। तो टीएस काट कर देखिए हम फेरिंग्स रीजन से फीमेल एम्फियोक्सिस का तो ऐसा नजर आएगा, मेल एम्फियोक्सिस का तो ऐसा नजर आएगा। ये तो हमें ये मालूम चल गया कि टीएस की टीएस काट कर देखे हम फेरिंग्स रीजन पे, तो जहां फेरिंग्स रीजन पे मतलब ये जो सेगमेंट है ना 25 से लेके 51 तक के जो खंड है ये फेरिंग्स रीजन में, तो यहां हम काट करके देख रहे हैं तो हमें टेस्टिज और ओवरीज की स्ट्रक्चर नजर आती है। अब टेस्टिज और ओवरीज की स्ट्रक्चर्स कैसी है गोनोट्स को देखेंगे, एम्फियोक्सिस मैच्योर गोनोट्स का अगर सेक्शन काट कर देखें हम कैसा नजर आएगा, हमने आपने कहा कि एट्रियल एपिथेलियम होगी, यानी इस तरफ एट्रियल एपिथेलियम है तो इस तरफ बॉडी वॉल होगी एम्फियोक्सिस की, तो पढ़ रहे हैं हम यहां जर्म सेल्स होंगे, ये जो जर्म सेल्स हैं इन जर्म सेल्स के सबसे पहले बाहर की तरफ ये प्राइमरी गोनोडियल कैविटी है, ये जो आप कैविटी देख रहे हैं ये प्राइमरी गोनोडियल कैविटी है, इसके बाहर की तरफ सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी है, ये सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी है, ये फॉलिकुलर एपिथेलियम है जहां पाई जाती है, ये ब्लड वेसल्स जो प्राइमरी गोनोडियल कैविटी और सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी में आपको नजर आ रही है ये इसकी एट्रियल एपिथेलियम है, ये एंटीरियर कार्डिनल वेंस और पोस्टीरियर कार्डिनल वेंस जो जाती है उसमें से एंटीरियर कार्डिनल वेंस यहां जा रही है, सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी बाहर की तरफ है और जो प्राइमरी गोनोडियल कैविटी होती है ये अंदर की तरफ होती है, तो ये इसकी संरचना होगी। अब एम्फियोक्सिस में ध्यान रखने वाली बात यही है कि एम्फियोक्सिस में जो गेमेट्स की संख्या होता है मतलब गोनोट्स की संख्या होती है 26 से 27 पेयर तक होते हैं, ये 26 से 27 पेयर तक जो होते हैं ये 25 से लेकर 51 वाले खंड में प्रत्येक खंड में एक जोड़ी पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन ये है नीचे की तरफ, ये मेटाप्लूरल फोल्ड्स होंगे, यहां से अगर हम इसका सेक्शन काट करके देखेंगे, यहां से अगर हम टीएस काट के देखें, अगर ये एनिमल मेल एनिमल है तो ये हमें इस तरीके से नजर आएगा, जिसमें यहां हमें टेस्टिस नजर आएंगे,
टेस्टिस की सेक्शन कटिंग के बाद ही मालूम चलता है कि दाढ़ीदार जो संरचनाएं हैं टेस्टिस की है, और अगर हम इसको यहां से सेक्शन काट करके देखते हैं और अगर ये फीमेल एनिमल है तो हमें इस तरीके की स्ट्रक्चर्स नजर आएगी जिसमें हमें ओवरीज नजर आएंगे। पोजिशन लगभग इनकी वही है जहां आप देखेंगे एक तरफ इनके एट्रियल एपिथीलियम है, दूसरी तरफ इनके बॉडी वाल वाली स्ट्रक्चर से बॉडी वाल और एट्रियल एपिथीलियम यानी ये एनिमल के बॉडी वाल के लेटरोवेंट्रल में उभरे हुए होते हैं। ये लेटरोवेंट्रल यानी पार्श्वीय और अधर दिशा में ये उभरे हुए होते हैं। ये मेजोडर्म से बने हुए संरचनाएं होती है जिनमें एक तरफ बॉडी वाल है और दूसरी तरफ एट्रियल एपिथीलियम है। अब एम्फिक्सिस में ये तो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ ली जहां होगा यहां पर संख्या हमें पता चल गई कि संख्या जो है इनकी 26 से 27 जोड़ों तक पाई जाती है और 25 से 21 तक जो सेगमेंट है उन सेगमेंट और प्रत्येक सेगमेंट में इसकी एक जोड़ी पाई जाती है और सेक्शन कटिंग करने पे हमें ऐसा नजर आता है। ये हमने पढ़ लिया। ये हम देखें कि इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। इंडिविजुअल गोनोड्स को देखें, मेच्योर जो गोनोड्स होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। जर्म सेल्स जहां है जर्म सेल्स के यहां पे ये एंटीरियर कार्डिनल वेंस जो कि अंदर की तरफ ब्लड से जुड़ी हुई है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी गोनोडियल कैविटी, और उसके बाहर की तरफ ये सेकेंडरी गोनोडियल कैविटी होगी। ये एट्रियल कैविटी, हमने ये देखा ना कि एट्रियल कैविटी ये जो दिख रही है एट्रियम दिखेगा लिखा होना, ये एट्रियल कैविटी, तो एट्रियल कैविटी है बाहर की तरफ, और ये जो हम कर रहे हैं एट्रियल एपिथीलियम है। अब एट्रियल एपिथीलियम और एट्रियल कैविटी में जहां इसकी पोजिशन है ये इस तरफ है, तो इस तरफ जो होगी वो एम्फिक्सिस की बॉडी वाल होगी, तेज की संरचना हो गई है। गोनोडक्ट्स इसमें एबसेंट होती है। देर आर नो जेनाइटल डक्ट्स व्हेन गैमेट्स मैच्योर द वाल ऑफ द गोनोड्स बस्ट एंड ओवर स्पर्म एस्केप इनटू द एट्रियम फ्रॉम वेयर दे एस्केप थ्रू द एट्रियोपोर। अब हमने पढ़ा गोनोडक्ट्स नहीं होती, तो जैसे ही गैमेट्स मैच्योर होते हैं, मैच्योर गैमेट्स होना है स्पर्म या ओवम जो भी हो मैच्योर होते हैं, ये वाल है गोनोड्स की बस्ट हो जाएगी और ओवर जो स्पर्म है यहां से एट्रियम में आ जाएंगे, एट्रियम से एट्रियोपोर के द्वारा बॉडी से बाहर आ जाएंगे, और बॉडी से बाहर आने के बाद ही फिर उनका बॉडी के बाहर में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है। हमें इसके डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको ये पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में हमारी क्लास में है वो हमको ये पढ़ना है कि एम्फिक्सिस के मेल गोनोट्स और फीमेल गोनोट्स के स्ट्रक्चर्स क्या हैं और नंबर कितने हैं और ये जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स है गोनोट्स की किस तरीके से बनी हुई है। तो आज हमने अध्ययन किया कि एम्फिक्सिस के जो गोनोट्स हैं वो पहली बात तो एम्फिक्सिस जो है सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार का सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता, यानी ये प्रोटोकोडेट्स में यूरोकोड से थोड़ी सी उच्चतर अवस्था है। प्रोटोकोडेट्स जहां हमने अल्बानिया का अध्ययन किया ना, वहां हमने कहा कि एक ही एनिमल में मेल और फीमेल गोनोट्स है, यहां नहीं है, मेल और फीमेल गोनोट्स अलग अलग एनिमल्स में। अब कोडेट की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे हमें इसी तरीके का विकास मिलेगा, आगे हमें इसी तरीके की व्यवस्थाएं मिलेगी, हम आगे कोडेट्स में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा अंतर हायर कोडेट्स की तुलना में यहां कम किया गया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं, आगे जाएंगे तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म रहेगा, लैंगिक द्विरूपता रहती है, बाहर से हम एनिमल को देख करके पहचान सकते हैं कि मेल एनिमल है फीमेल एनिमल है, क्योंकि हम प्रोटोकोडेट्स के एनिमल पढ़ रहे हैं यूरोकोडेट सिफेलाकोडेट की तरफ। तो यहां ये तो हो गया है कि सेक्स सेपरेट हो गए हैं, लेकिन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म अभी तक विकसित नहीं हुआ है। गोनोट्स की जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली है, गोनोट्स एज अ टेस्टिस ओवरी लाइन द वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी वाल बेनेथ द मायोटोम प्रोजेक्टिव इनटू द एट्रियम। देयर अबाउट 26 पेयर्स ऑफ टेस्टिस आर ओवरीज अरेंज मेटामेरिकली वन पेयर इन ईच ऑफ द सेगमेंट 25 से 51 तक। ये हमने पढ़ लिया जो इसकी संरचना है। इसका डेवलपमेंट हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में यही है कि एम्फियोक्सिस जो है उसे एम्फियोक्सिस के गोनोट्स की स्ट्रक्चर्स क्या होती है। हमने एम्फियोक्सिस के जो सारे सिस्टम पढ़े हैं उसमें ये अंतिम जो पढ़ना था हमको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके बारे में हमने आज अध्ययन कर लिया। आगे की जो कक्षाएं होगी उसमें हम एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेटा पढ़ेंगे, और उसके बाद हम पेट्रोमाइजोन और एमोसिएट लार्वा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी कक्षा है उस कक्षा में हमने एम्फियोक्सिस के गोनोट्स के बारे में स्टडी की है और एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को समझने की कोशिश की है, जिसमें हमें यह पता चला है कि एम्फियोक्सिस का जो प्राणी होता है जो सिफिलोकोडेटा का प्राणी होता है उसमें लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, सेक्स सेपरेट है लेकिन लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती। ये प्रोटोकोडेट्स के एनिमल्स हर्डमानिया या यूरोकोडेटा की तुलना में थोड़ी सी विकसित अवस्था है, लेकिन जो आगे हायर कोडेट्स है उनकी तुलना में ज्यादा विकसित इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि यहां सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती, यहां
26 से 27 जोड़ी या तो टेस्टीज होते हैं या ओवरीज होते हैं, और ये 25 से लेकर 51 खंड तक होते हैं, और 25 से लेकर 51 जो खंड है वो यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ नीचे की तरफ गोनोड्स यहाँ पर होते हैं। ये अगर सेक्शन काट करके देखेंगे तो या तो ये टेस्टीज होंगे या ये ओवरीज होंगे। इस प्रकार आज हमने एम्फियोक्सिस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अध्ययन किया है। आगे की क्लासेज में हम एफिनिटीज और पेट्रोमाइजन और एमोसिटेड लार्वा के बारे में बात करेंगे।